हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भिलाई तीन पदुम नगर स्थित हनुमान मंदिर में कॉलोनी वासियों के सहयोग से हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार विशेष अतिथि के रूप में शामिल रहे। उनके साथ चरोदा निगम के पूर्व सभापति विजय जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपनी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी है। आज पद्म नगर में हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए और आज पूरे विधानसभा में कई जगह पे हनुमान जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस पावन पर्व पर हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद सब पे बना के रखें और हमारा प्रदेश तरक्की करे और हमारे तरफ से हनुमान जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं बजरंगबली की जन्म उत्सव और पद्म नगर के सभी वासियों को जन्म उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पद्म नगर श्रीराम सिटी के सामने हनुमान मंदिर पर ये 21वां वर्ष है जो हमने छोटे से रूप में मनाते हुए आज थोड़ा सा बड़ा रूप देते हुए हनुमान जी का जयंती मनाते हैं। मोहल्ले वालों को सहयोग बहुत अच्छे से हमको मिलता है और पद्म नगर वालों को हरदम हमको सहयोग देते रहते हैं। उनके सहयोग और उनकी ताकत से हम यहाँ पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम करते हैं और ये हमारा ये दूसरा वर्ष है। दूसरे बार जो है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री जगत गुरु रुद्र कुमार जी ने हमारे हनुमान जी की जयंती में यहाँ पर पधारे, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय माटीपुत्र माननीय भूपेश बघेल के क्षेत्र में हम हर वर्ष जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों और नगरवासियों को बार बार शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।